हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। तो हम बात कर रहे थे DSSSB का ये क्वेश्चन पेपर है जो 2018 में लास्ट ईयर में हुआ है। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें चार क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करा दिए। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो है हमें देखना है कितनी जल्दी हम इनको सॉल्व कर पाते हैं। तो इस तरह का ये रखा 1.3 बार प्लस 0.69 बार माइनस 0.523 पर बार। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है, उसके बाद इसको सबट्रैक्ट करना है। हमें जो है 1.3, ठीक है, बार को क्या लिख सकता हूँ, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है। उसके बाद है 0.69 पर बार है, तो 9 9 9 9 9, ठीक है। तो 5 6 3 4 डिजिट लिख सकते हो। तो इनको मुझे ऐड करना है, 9 और 3 कितने हो गए, 12, ठीक है। 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 3 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 9 और 3 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 9 और 3 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 9 और 3 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 9 और 3 9 के 12 और 1 13, ठीक है। ये हो गया 6 और 3 9 और 1 10 10 की 0, ठीक है, 10 की 0 1, ये हो जाएगा 1 और 1 2। तो दोनों को ऐड करने के बाद देखिए कितना रहा, 2.0333332। इसलिए हम अगर इसको इस तरह से करेंगे डैश 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 आगे भी नंबर लिख देंगे तो लास्ट वाली डिजिट 2 रहेगी, पता नहीं कौन सी डिजिट 2 रहेगी। तो ये इनफाइनिट तक जाएंगे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी 3 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.03 बार, ठीक है। मुझे सबट्रैक्ट करना है कितना, माइनस का 0.523 बार। तो ये हो जाएगा 2.0333 एड्स ऑन, ये चलेगा 5 0.523 23, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देना है, 3 में से कितना 0, यहाँ कितना आ गया 1, यहाँ कितना है 0, यहाँ 3 में से 2 हो गया 1 और यहाँ आ गया 0, यहाँ से ले लिया कितना होगा 10, ये हो गया 10 में से 5 भी है कितना, जब 5 यहाँ कितना आ गया 1। तो देखिए ये डिजिट रिपीट हो रही है, तो आ जाएगा 1.510 पर बार। तो इसका ऑप्शन जो होगा 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन कितने रुपए, 4,800 टू ईयर्स के लिए इज कितना है डिफरेंस, 17.28। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल, ठीक है, इसका जो रेट है वो क्या है। तो इसको जो वैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, हम वैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, फिर ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला, जब टू ईयर्स होते हैं, ठीक है, टू ईयर्स के लिए जो डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर टू ईयर्स के लिए। तो इसका फार्मूला है क्या, PR² / 100² फॉर टू ईयर्स। डायरेक्ट इसको हम यूज़ कर सकते हैं, एक मिनट नहीं लगेगी आंसर निकालने में। P जो है प्रिंसिपल अमाउंट है जो दे रखा है हमें 4,800 रुपये, रेट जो हमें निकालनी है, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कितना, 17.28, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 17.28 = पी दे रखा कितना, 4,800, आर स्क्वायर हमें निकालना है, 100² × 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 100 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये पॉइंट जो है हट जाएगा, ये हो जाएगा 17.28, ये हो जाएगा 48 जो है इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर। इसको जो हम पूरा तुम भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर कितना आ गया, 36, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 6, रेट जो है कितना है 6 है, तो इसका ऑप्शन जो है
सेकंड ऑप्शन है देखिए, तो बस ये याद रखना है आपको, जब डिफरेंस दे रखा है उसने, क्या डिफरेंस दे रखा है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, तो डायरेक्ट 2 ईयर्स के लिए डायरेक्ट हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा द इफिशेंसी ऑफ ए बी सी की इफिशेंसी दे रखी है आर इन द रेशो। ठीक है, इफिशेंसी का जो है रेशो दे रखा है, दे कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क। सर जब ये तीनों मिलकर जो है 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन विल कंप्लीट दैट वर्क। ए जो होगा अकेला वो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो इफिशेंसी होती है, ठीक है, जो इफिशेंसी होती है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क के, और इफिशेंसी और वर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। बस ये इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मुझे क्या निकाल लें, डेज निकाल लें। ठीक है, डेज निकाल लें। अब हमें रेशो दे रखा, इफिशेंसी का रेशो दे रखा कितना, 4:5:6। जब ये रेशो दे रखा तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया क्या, ए कॉमन है। जब मैं टाइम निकालूंगा, डेज का एक तरह से टाइम ही है इफिशेंसी के रेस्पेक्ट में, तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशेंसी। ठीक है, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशेंसी, तो समझना है, फिर उसके बाद जल्दी से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा समझाने में इसलिए टाइम लग रहा है। तो मेरे पास टाइम निकालना है किसका, ए का इफिशेंसी के रेस्पेक्ट में, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 4x, 5x और 6x। तो ए का जो वो होगा, ए कितने दिन में कराएगा, 4x में, पी कितने दिन में कराएगा, 1/5x में, और सी कितने दिन में कराएगा, 1/6x में। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ तक तो हमारे पास ये अलग अलग आ गए, हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, x की वैल्यू इस तरह से निकलेगी, यहाँ पर देखिए इफिशेंसी, ठीक है, इफिशेंसी क्या है हमारे पास, 4x + 5x + 6x किसके बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा हमारे पास, टाइम के इन्वर्सली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1/ टाइम कितना है, 20 डेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15x, ये हो जाएगा 1/20, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/15 × 20, तो 1/ कितना, 300। x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। तो पूछा क्या इसमें, ए अलोन, ए जो अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, तो हमारे पास ए क्या है, 1/4x, कितने दिन में ही कर रहा था कंप्लीट, तो हो जाएगा 1/4 × 1/300। ठीक है, तो 300 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 4, तो ये कट जाएगा, 4 × 7 = 28, बचा कितना, 2 × 4 = 20, 75 डेज। तो इसका ऑप्शन जो होगा, 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 12,960 इज डिवाइडेड, इतने रुपए हमारे पास, उनको डिवाइड करना है किनके बीच में, ए बी सी के बीच में, किस तरह से, 4 times share जो है, 4 times share ऑफ ए का किसके बराबर है, 6 times share ऑफ बी के, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 3 times of share सी के। हाउ मच डिड आ गेट, ए को कितना मिला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, हमें क्या रिलेशन दे रखा है, हमें दे रखा है पहले तो अमाउंट कितना है, 12,960 रुपये जो ये अमाउंट है, इसको जो है 3 लोगों में शेयर करना है, ए में, बी में, सी में। ठीक है, किस तरह से शेयर करना है, जो ए का 4 times share है वो किसके बराबर है, बी के 6 times share के, और ये किसके बराबर है, 3 times share ऑफ किसके, सी के। ये हमारे पास क्या है, रिलेशन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए पहले हम 2 को उठा लेते हैं यहाँ से, यहाँ तो हो जाएगा 4a = 6b, इसको
बी को हम इधर ले आएंगे और फोर को इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा थ्री, ये आ जाएगा टू। तो ए इज टू बी, कितना आया ए बी का रेशो कितना आया, थ्री इज टू टू, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को उठाएंगे, ये हो जाएगा सिक्स बी थ्री सी, बी को हम सी को इधर लेकर आएंगे, बी अपॉन सी थ्री, सिक्स को इधर ले जाएंगे वन अपॉन, तो ये हो जाएगा बी इज टू सी का रेशो कितना आएगा, वन वन इज टू टू, ठीक है। ये रेशो आ गया। अब देखिए इनको दो है, मैं किस में करूँगा, ए इज टू बी इज टू सी में, किस तरह से होगा। यहाँ पर देखिए ए बी का क्या है टू, यहाँ पर बी का क्या है वन, तो इसको टू करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू इज टू फोर, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए, बी बराबर हो गया, ठीक है, कॉमन हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ थ्री इज टू टू इज टू फोर। ये हमारे पास इतना इतना रेशो में जो है ये बटेगा अमाउंट, तो ए का रेशो, ठीक है, ये हम निकालेंगे, तो शेयर ऑफ ए, ए का हमें शेयर निकालना है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए का कितना तीन, ये नीचे ऐड हो जाएंगे, थ्री प्लस टू प्लस फोर जो टोटल है, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना है 12,960, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास थ्री अपॉन में कितना हो गया, ये हो गया चार दो छः तीन नौ, ये हो जाएगा 12,960। तो ये जाएगा नौ से कटेगा, नौ एकम नौ, बचा कितना, तीन बज गया, ठीक है, तीन उनतालीस हो गया, नौ चौक छत्तीस, बचा कितना, तीन नौ चौक छत्तीस जीरो, तो इसमें तीन की गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, तीन जीरो जीरो, तीन चौक बारह का दो हासिल लगा, एक तीन चौक बारह और एक तेरह का तीन हासिल लगा, एक तीन तीन चार, तो 4,320 रुपये का ए का शेयर होगा। तो बी का पूछे बी का निकाल सकते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी, सी का पूछे सी का निकाल सकते हैं, यहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका जो ऑप्शन है 12,320 रुपये सही होगा, ठीक है। तो हमने ये चार क्वेश्चन इसमें सॉल्व करें, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।